दिस इज अंकिता, आप सबकी हिंदी की टीचर। आज हम लोग बच्चों हमारे इस क्लासरूम में हिंदी के बारे में बात करेंगे। तो पहले वीडियो में हम लोग स्वर के बारे में बात की है। स्वर अ टू आह। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट व्यंजन। ओके, आज हम लोग व्यंजन के बारे में बात करेंगे। व्यंजन का सबसे पहला वर्ण होता है क। क से कमल, कमल यानी कि लोटस। लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। क से कमल, क से कलम भी होते हैं बच्चे। कलम मतलब पेन, जिससे हम लोग लिखते हैं। सो क से कमल एंड क से कलम। उसके बाद जो लेटर आते हैं वो है ख। ख से खरगोश, ख से खरगोश यानी कि रैबिट। ख से खरगोश, क से कमल, ख से खरगोश। उसके बाद आते हैं ग। ग से गमला, मिट्टी के जो गमले होते हैं उसमें पेड़ छोटे छोटे प्लांट वो सब भी रखते हैं, और नहीं तो हम लोग यूटेंसिल्स को भी गमला बोल सकते हैं। ग से गमला। उसके बाद आते हैं घ। घ से घड़ी, इधर है वॉच, और जो वॉल पे रहते हैं उसे भी हम वॉल क्लॉक या घड़ी बोलते हैं। क ख ग घ। उसके बाद आते हैं अंग। अंग हम किसी की शब्द के साथ जोड़ के उसको अनुश्वर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये पहले आप लोग वर्णमाला सीख जाइए, उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्राएं, अनुश्वर, चंद्रबिंदु के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो गए हमारे पहले पांच पद। क ख ग घ अंग।